नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। दोस्तों आज भी जो है आप सभी के लिए बेहद इंटरेस्टिंग आईपीएल की अपडेट्स आ रही है। आईपीएल के फैन भाई आप सभी को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, बगल में आपको घंटी का बटन दिख जाएगा उसको भी याद से दबा दीजिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आईपीएल 2022 का जो पहला मैच होने वाला है केकेआर और चेन्नई का, इसके लिए जो है ना भाई 5:30 बजे से इसकी लाइव कवरेज चालू हो जाएगी। तो भाई आप लोग जो है ना 5:30 बजे से टीवी के ऊपर जो है लाइव कवरेज देख सकते हो फर्स्ट मैच की। ज़्यादातर भाई बहुत लोग जो है ना मुझसे पूछ रहे थे कि आखिरकार हम लोग टिकट कैसे खरीदें। तो सबसे पहले अगर आप लोग हमारे भाई टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो भाई आप लोग सचमुच बहुत कुछ मिस कर रहे हो, बिकॉज मैंने आप सभी को जो है सारी आईपीएल टिकट की अपडेट, सारी आईपीएल की अपडेट सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पे आपको पोस्ट की थी। वहाँ पे आप लोग नहीं जुड़े हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन करो। आप लोग भाई वहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से आपको बताया गया है कि आप लोग जो है ना IPLT20.com पे जाके जो है अपने टिकट को बुक कर सकते हो, और भी जो है 3-4 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है जो कि आप लोग जो है टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो और वो स्टेप को फॉलो करके आईपीएल के टिकट को बुक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। तो भाई गुजरात को लेके ऐसी अपडेट आ रही है कि बहुत ही होनहार खिलाड़ी प्रियांक पांचाल को जो है गुजरात की टीम अपने स्क्वाड में ऐड कर सकती है एज अ बैकअप प्लेयर। जी हाँ भाई, यानी कि जो है ना प्रियांक पांचाल फिलहाल जो है गुजरात के साथ में ट्रैवल करेंगे, उनके स्क्वाड के साथ में रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एज अ बैकअप प्लेयर। दोस्तों वहीं पे अब बात करते हैं चिन्नास्वामी के पिच की। तो भाई हमने देखा किस तरीके से चिन्नास्वामी की पिच रही थी, जिसके बाद में जो है ना आईसीसी ने चिन्नास्वामी की पिच को जो है एक डीमेरिट पॉइंट का नुकसान दिया, यानी कि उनके हिसाब से जो ये पिच थी वो बिलो एवरेज थी, वो एवरेज पिच नहीं थी, इसके चलते जो है चिन्नास्वामी की पिच को एक डीमेरिट पॉइंट का नुकसान हुआ है। दोस्तों अब यहाँ पे जो है ना बहुत बड़ी अपडेट आ रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेके। फिलहाल महाराष्ट्र में जो है आहिस्ता आहिस्ता कोविड का केस बढ़ रहा है, आईपीएल नज़दीक आ रहा है, और मान लेते हैं अगर भाई केस ज़्यादा बढ़ जाता है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है ना आईपीएल में फैंस को एंट्री नहीं देगी अगर कोविड केस ज़्यादा बढ़ता है तो। हम लोग सब उम्मीद ही करते हैं कि केस ना बढ़े और गवर्नमेंट जो है फैंस को एंट्री ऐसे ही देते रहे। दोस्तों अगर आप लोग अभी चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हो तो ये न्यूज़ आप सभी के लिए बेहद खास होने वाली है, बिकॉज चेन्नई के खिलाड़ी मोइन अली है वो अभी तक इंडिया नहीं आए हैं, क्योंकि उनका जो वीज़ा है वो वीज़ा जो है भाई उनका फ़िलहाल नहीं मिल पा रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, इसके चलते जो है ना बहुत ही हाई चांस ऐसा लग रहा है कि मोइन अली जो है केकेआर के सामने चेन्नई का पहला मैच मिस कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड तरफ अपडेट ये भी है कि जो बीसीसीआई है, चेन्नई है, सभी लोग जो है ना मिल के पूरा ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि आज के दिन तक जो है मोइन अली को उनका वीज़ा मिल जाए और वो इंडिया आ जाए। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, अगर वीज़ा नहीं मिलता है तो मोइन अली फर्स्ट मैच मिस करेंगे। भाई जब बात निकल आई है फर्स्ट मैच की तो एक बात कंफर्म कर दी है चेन्नई के सीईओ ने, ऋतुराज गायकवाड़ केकेआर के सामने फर्स्ट मैच के लिए 100% फिट है और वो अवेलेबल रहेंगे, हम सभी को खेलते हुए भी दिखाई देंगे। तो ये जो है चेन्नई के लिए बहुत बड़ी राहत की सांस थी। दोस्तों बात करते हैं आरसीबी की। देखिए भाई जिस तरीके से विराट कोहली ओपनिंग कर रहे थे, जिसके बाद जो है ना आरसीबी के थिंक टैंक ने, आरसीबी के कोच ने, मैनेजमेंट ने ऐसा बोला है कि ये साल जो है ना विराट कोहली 1 डाउन यानी कि नंबर 3 के पोजीशन पे खेल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है जिस तरीके से विराट कोहली नंबर 3 पे खेलते हैं भाई काफ़ी अच्छा खेलते हैं। जिसके बाद ऐसी अपडेट आ रही है कि फैफ तो ओपनिंग करेंगे, ये बात कंफर्म है, लेकिन फैफ के साथ में कौन खिलाड़ी ओपनिंग करेगा? भाई खबर आ रही है कि जो अनुज रावत है भाई बहुत अच्छे हार्ड हिटर बैट्समैन है, फैफ डुप्लेसिस और अनुज रावत हमको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं आरसीबी के लिए, और विराट कोहली जो है नंबर 3 पे जा सकते हैं, ऐसी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की। तो भाई ऑस्ट्रेलिया की जो है वाइट बॉल की सीरीज होने वाली है पाकिस्तान के साथ में, जिसके लिए जो है ना ऑस्ट्रेलिया की बोर्ड डैनियल विक्टोरी को उनका स्पिन कंसल्ट साइन करने वाली है पाकिस्तान के वनडे T20 सीरीज के लिए।
एट द एंड बात करते हैं श्रीलंकन टीम की, तो भाई श्रीलंकन बोर्ड जो है ना, क्रिस सिल्वरवुड ये वही कोच है जो कि हाल ही में इंग्लैंड की हेड कोच की स्थान को छोड़े थे। अब जो है भाई श्रीलंकन बोर्ड क्रिस सिल्वरवुड से बातचीत कर रही है कि भाई आप आ जाओ और श्रीलंकन टीम के नए हेड कोच बन जाओ, जिसको लेके जो है वो दोनों के बीच में फिलहाल बातचीत चालू है। ये थी हमारी आज की न्यूज़ वीडियो, मैंने आप सभी को दे दी। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और फटाक से टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।